मेरा नाम है वासु खान और अलखिदमत फाउंडेशन की ओर से आज हम सीरीज शुरू कर रहे हैं टेक्निकल आर्ट्स सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले एक रेखा को दो हिस्सों में विभाजित करना सीखते हैं। वह ये देखते हैं कि हम दी हुई एक रेखा को पटरी और पताल की सहायता से किस प्रकार दो हिस्सों में विभाजित करें। सबसे पहले हम एक पटरी लेंगे। इस पटरी में हम मान लेते हैं कि हमें जो रेखा दी गई है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, उसी आधार पर हम उसको नाप। ये हमारे पास एक लाइन है क्योंकि जिसकी लंबाई हमने 5 सेंटीमीटर दी है, इसके दो किनारे को हम जो दोनों बिंदु हैं उनको एक नाम देते हैं ए और बी। वो अपने आधार पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई दे सकते हैं, वाई जेड दे सकते हैं, ए बी दे सकते हैं। अब इसमें इस रेखा को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए हमें अगली चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो है प्रकार। ये हमारे पास एक प्रकार है। इस प्रकार में हम अनुमान के हिसाब से आधी से अधिक लंबाई इसकी दूरी रख लेते हैं। हम ए को केंद्र मानते हुए यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेंगे और उसको इस तरह से एक चाप लगाएंगे। ये हमने एक चाप लगाया ऊपर की ओर और दूसरा चाप नीचे की ओर लग गया। अब उसी दूरी से जो हमने दूरी पहले ली थी, दो चाप लगाए थे हमने, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर इस रेखा के, उसी से हम दूसरी और बिंदु को केंद्र मानते हुए वहाँ से दूसरा चाप लगाते हैं जो कि पहले चाप को दो बिंदुओं पर काट लेता है। अब ये चाप दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काट लेते हैं। अब इनको हम एक नाम देते हैं, कोई भी अपनी इच्छा के हिसाब से नाम दे सकते हैं। हम नाम देते हैं सी और डी। अब पटरी के द्वारा हम इन दी गई रेखाओं को एक दूसरे से काटते हैं।